मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर सुर्खियों में आ ही जाते हैं। सिंधिया फिर गले में नींबू मिर्ची की माला पहनकर नजर आए और इससे फिर वे सुर्खियों में आ गए। सिंधिया ने खुद इससे संबंधित वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ सिंधिया ने लिखा कि जनता के प्यार और स्नेह के रूप में नींबू मिर्ची की हो या आलू प्याज की, वे सभी मालाओं को जनता का आशीर्वाद मानकर पहन लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इससे मिर्ची मुख्यमंत्री जी को लगती है। दरअसल सिंधिया इन दिनों ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार दौरे कर रहे हैं और जनसभाओं से संबंधित कर रहे हैं। यह वीडियो ऐसे ही एक सभा का है जिसमें सिंधिया जनता को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि संबोधित करते करते सिंधिया अचानक नींबू मिर्ची की माला को निकाल लेते हैं और जनता को दिखाते हैं। सिंधिया ने ऐसी माला को जनता का आशीर्वाद बताया है। सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, मेरे नींबू मिर्ची की माला पहनने से पता नहीं क्यों मिर्ची मुख्यमंत्री जी को लगती है। मैं मिर्ची और नींबू की माला पहनता हूँ, मैं फल की माला पहनता हूँ, मैं जो भी पान के पत्ते की माला पहनता हूँ, पर मिर्ची और नींबू की माला तो मैं पहन रहा हूँ, लेकिन मिर्ची तो शिवराज सिंह को लग रही है। 28 तारीख को ऐसी मिर्ची लगाना